स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सबका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टार प्लस के YouTube पेज को एंड हिट द बेल आइकन। मैं प्रतियोगिता में वही साड़ी पहन के जाऊंगी, ठीक है? तुम सच में मारी साड़ियों का प्रचार करोगी ना? पूरा फॉल बॉल सब लगवा दूंगी मैं, बढ़िया सी दोपहर तक दूंगी। एक मिनट है, देखिए मीनाक्षी कोई अच्छी सी साड़ी दिखाओ ना, वो प्रतियोगिता में पहन के जाने के लिए। अरे वाह, साड़ियां तुम्हारे पास बहुत सारी है, लेकिन आज क्या बात है, देवरानी जिठानी दोनों साड़ियों के पीछे लगी है। ये लीजिए, आते रहिएगा, सेल अभी पूरे महीने बाकी है। ये देखो कितनी बिक्री हुई है, सेल से बड़ा फायदा हो गया है, कितना मजा आ रहा है। पूरे महीने में इतनी बिक्री तो हुई कोनी। वो देखो वो कहाँ चला। जेठानी जी चलिए मैं भी आपकी थोड़ी मदद कर देती हूँ, है ना? मदद? अब कुछ पीसे वीसे हो तो दे दो, मैं और दुकान का सामान मंगवाना था। खैर जितने ये ग्राहक देख रहे हो ना, ये सब चीटियों की तरह आते हैं, हमारी दुआ के अलावा ना और कुछ ना लेके जाते। कम से कम 50-100 साड़ियाँ खुलवा के जाते हैं, हमारे कुछ नहीं लेके जाते। पता नहीं किसकी नजर लग गई। जिठानी जी आप परेशान मत होइए, वैसे मेरे पास बहुत सारे तरीके इन सारी साड़ियों को बिकवाने के। अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। तुम कैसे मदद करोगी मारी? कोई पीसा वीसा खर्च करने के लिए तो नहीं है ना, क्योंकि हमारे पास तो वैसे पैसे को नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं, नहीं जेठानी जी, मेरे पास एक ऐसा तरीका है जिसमें आपके एक भी पैसे नहीं लगेंगे। ऐसा कौन सा मुफ्त का तरीका है तुम्हारे पास? जिठानी जी सुनिए, दुकान में जितनी भी नई नई साड़ियां हैं, वो नए नए डिजाइन लोगों तक पहुंचाने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप उन्हें खुद पहनकर लोगों के सामने चले जाए। अब देखिए औरतों की तो आदत ही होती है नई नई साड़ियां देखकर बराबरी करने की या फिर इतराने की, है ना? ऐसी है सारी औरतें। इमली भाभी ने जाल तो बड़ा मजबूत और चमकीला फेंका, लेकिन मीना भाभी वो चिड़िया है जो जाल में फंसी भी ना और उसके दाने भी चुभ जाए। जेठानी जी देखिए, मुझे पता नहीं मेरा सुझाव आपको अच्छा लगेगा आप, लेकिन नहीं नहीं बताओ बताओ। ख्वाहिशें बेहिसाब है, पर मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश है एक दिन माँ की तरह मैं भी लॉयर बनूं। लॉयर अभीरा अक्षरा शर्मा। जिस परिवार से मुझे वजूद मिला उस परिवार का दिल कभी ना दुखे, बस यही मेरी ख्वाहिश है। और मेरी ख्वाहिश है कि जिंदगी का हर एक लम्हा मैं तुम्हारे साथ बिताऊं। मिसेस रूही अरमान पोद्दार बनकर। तकदीर ने रुख ऐसा मोड़ा, टूटे तारों ने तीन जिंदगियों को जोड़ा। अभीरा, तुमने अरमान के साथ शादी करके उसकी जिंदगी बर्बाद की, अब तुम्हारी जिंदगी इस घर के नियमों पर चलेगी। यहाँ की बहुओं की दुनिया घर की चार दीवारी तक सीमित है, समझी? समझी। रूही, अरमान और अभीरा, वक्त तीन जिंदगियों को जब ऐसे उलझाता है तब ये रिश्ता क्या कहलाता है? नई शुरुआत 6 नवंबर से रात 9:30 बजे स्टार प्लस पर। ये सोच रही थी कि आपकी दुकान में जो ये सारी नई नई डिजाइन की साड़ियाँ आई ना, मैं वो खुद प्रतियोगिता में पहन के चली जाऊं। अब देखिए वहां तो ढेर सारी औरतें आएंगी, अब जब मुझे औरतें ये सुंदर सुंदर नई नई डिजाइन की साड़ियों में देखेंगी तो तुरंत आके मुझसे पूछेंगी कि मैम
आपने साड़ी कहाँ से ली? कितनी खूबसूरत साड़ी है। फिर क्या, फिर मैं आपके दुकान का पता उन्हें झट से दे दूंगी। और देखिएगा आपके दुकान के बाहर कितनी सारी लंबी लाइन लगी होगी। क्यों, जितना बुरा तुम्हारे बारे में सोचती थी इतनी बुरी हो सुनी, तुम्हारे बारे में इतना सोचा था। लगता है मेरा प्लान काम कर रहा है। अरे नहीं नहीं जेठानी जी, इसमें थैंक यू की क्या बात है, परिवार के लोग ही तो एक दूसरे की मदद करेंगे। जेठानी जी अब आप बैठी क्यों है, अब जाइए तुरंत से कोई अच्छी सी डिजाइन वाली साड़ी लाके मुझे दे दीजिए, मैं प्रतियोगिता में वही साड़ी पहन के जाऊंगी। ठीक है, तुम सच में मारी मारी साड़ियों का प्रचार करोगी ना? औरतों को पकड़ोगे और कितनी औरतों को बताओगे प्रतियोगिता में भी तो भाग लेना है, पैम्फलेट पे सब कुछ लिखा है। बस चुन चुन के औरतों को पकड़ना और सारे पैम्फलेट बांट देना। 50-100 तो है, और अगर शाम तक ये पूरे बट जाए तो हमारे को आके बता देना, मैं और दे दूंगी तुम्हें पैम्फलेट बांटने के लिए। मगर चुन चुन के एक एक को छोड़ना कोनी। ठीक है, क्या कर साड़ी मांगने आई थी? अरे प्यारी सी देवरानी। अरे भाई तू सही है, वो साड़ी मांगने आई थी अरे फायदे के लिए, पैम्फलेट पकड़ा दिया उसके हाथ में। अरे साड़ी पहनने से कुछ ना होता, पूरी बात थोड़ी समझ आती है ग्राहकों को, पैम्फलेट में सब समझ आता है, सब कुछ लिखा होता है, एड्रेस पैड्रेस कोई परेशानी ना होती। और एक बात बताऊं, जब 2 चम्मच दूध में खीर बन जाए तो पूरा भिगोना दूध खर्च करने का क्या फायदा जी, आपको समझ को नहीं आएगा। हाँ भैया, साड़ी बेचने के लिए ना साड़ी को पहनना भी पड़ता है, समझ रही है? तभी बिकते साड़ी। हाँ जी हाँ, अगर पहनने से बिक्री होती ना तो मैं तो गली मोहल्ले में हर वक्त सबसे अच्छी साड़ी पहन के डोलती फिरूं। बिक्री थी कि बढ़िया, पैम्फलेट से बिकेगी सारी। मीना होशियार हूँ। इमली भाभी क्या हुआ, आप तो साड़ियां लेने गई थी ना? अब भाभी ने आपको साड़ियों की जगह पैम्फलेट थमा दिया बांटने के लिए।
मीना भाभी और साड़ियाँ। चुप, दांत तिड़काने की क्या जरूरत है? छोटी बिल्ली ने कोशिश तो की है ना, तू जाकर दिखा। साड़ी लाना तो बहुत दूर की बात है, खाली डब्बा उठाकर लाएगी ना, तुम्हारे लिए बहुत है। संदेश जी, आपने क्या सोचा उस चुनौती के बारे में? आपके पास आधा दिन है, आधा दिन तो निकल चुका है। हाँ सूरज जी, सोचा तो है कुछ। संध्या बेंदनी, अब थारी बारी। जी बाबा साहब। बाबू, मैं मीनाक्षी की दुकान पर जाकर आती हूँ। ठीक है। सारे दिन या दंगा मस्ती ही चलती रहेगी कि कुछ काम भी होवेगो? चलो सब अपने अपने काम में लगो। छोटू चल, तू पढ़ाई में लग। हाँ जी होगी। अब तू अटे खंभों से ही खड़े हो रहेगो कि दुकान पर जाकर काम भी करेगो? हाँ बाबू, मैं जा ही रहा था। वो कह रहा है कि भंडारे से थोड़े बादाम लेने आया था। आ रहा हूँ। पूरा हॉल वॉल सब लगवा दूंगी मैं, बढ़िया सी दोपहर तक ही दूंगी। एक मिनट, ये देखिए मीनाक्षी, कोई अच्छी सी साड़ी दिखाओ ना, वो प्रतियोगिता में पहन के जाने के लिए। अरे वाह, साड़ियाँ तुम्हारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन आज क्या बात है, देवरानी जिठानी दोनों साड़ियों के पीछे लगी है। अच्छा, एमिली भी आई थी यहाँ पर? हाँ, वो क्या है ना, प्रतियोगिता में सबसे अलग दिखना बहुत जरूरी होता है, इसलिए आई होगी शायद। पर मुझे तुम ऐसी साड़ी दिखाओ जो सबसे अच्छी हो, सबसे अलग दिखे। साड़ियाँ तुम्हारे पास एक से एक, टॉप से टॉप है। एक दो साड़ियाँ ना मैं ऐसे छुपा के भी रखती हूँ अच्छे कस्टमरों के लिए, और आपको तो मैं जरूर दे दूँ। सारी डिजाइनर साड़ियाँ ना महंगी पड़ जाती, बहुत पीछे क्या आती है। भाव की बिल्कुल फिक्र मत करो मीनाक्षी, वैसे भी सूरज जी ने मुझे काफी पैसे दिए साड़ी खरीदने के लिए। तुम बस दिखाओ। हो दिया और बाकी हम। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।